नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 13 जून के सुबह 9 बजे से या दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जी दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय रविवार का दिन होगा और ज्योतिष शास्त्र में रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव के महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन है और यश भगवान सूर्यदेव अपने भक्तों के जीवन काल में बड़े चमत्कार करते हैं, जिससे उनका मन काफ़ी प्रसन्न और प्रफुल्लित भी रहते हैं। जी दोस्तों, और यश में भी आपके मेहनत का फल आपको प्राप्त होने वाले हैं। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से यश में आपके घर से जुड़ी सभी प्रकार की आर्थिक तंगियाँ खत्म होंगी। पारिवारिक जीवन में चल रहे सभी प्रकार के नोक झोंक खत्म होंगी और आपके जीवन काल से यश में पेशों को लेकर जो भी किल्लत है सभी समाप्त होने वाले हैं। जी दोस्तों, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से यश में आपके रास्ते से सभी दुश्मन समाप्त होंगे और दोस्तों आपका आने वाला भविष्य बहुत ही उज्ज्वल रहने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से ग्रहों की स्थिति और समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐसे में दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन सी बड़ी उपलब्धि यश में आपको मिलने वाली है, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय सूर्यदेव लिखिएगा, गुरुजी का भगवान सूर्यदेव का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में दिन जो है पारिवारिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टि से बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा, परंतु दोस्तों कुछ समय स्वयं के लिए अवश्य व्यतीत करें। आत्मचिंतन करने से आपको बहुत अधिक मानसिक शांति का जो है आप अनुभव करेंगे। दोस्तों कठिन से कठिन कार्य को आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरे करने में भी यशमय सक्षम रहेंगे, यह क्षमता आपके अंदर यशमय रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय आपको स्वयं पर भरोसा रखना जरूरी होगा। दूसरों से विचार विमर्श करने से आप किसी गलत सलाह का भी शिकार हो सकते हैं, तो दोस्तों यशमय कहीं आने जाने संबंधी गतिविधियों से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जैसे होंगे आपको बता दें कि दोस्तों यश में अपनी बातों की वजह से आसपास के व्यक्ति को आप दुखी भी कर सकते हैं। कब कठोरता जरूरी है, कब आपको स्वयं से काम लेना है, इस बात को इसमें आपको सीखने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपके कार्य में कोई बिघ्न डालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तो आसपास के लोगों पर तुरंत आप विश्वास ना करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आजकल आप अपने जीवन के सकारात्मक नजरिए से समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन उपलब्धि है। इसलिए दोस्तों किसी आध्यात्मिक गतिविधि में आपका विशेष रूप से समय व्यतीत भी होगा तथा आपके अंदर शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार रहेगा। साथ ही दोस्तों यशमय घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्ति की सलाह व फिर मार्गदर्शन को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। घर में किसी भी प्रकार के परिवर्तन में वस्तु सम्मत नियमों का आपको प्रयोग करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों किसी के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना आपके संबंधों में कटुता ला सकता है, तो दोस्तों यश में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आपको अपने स्वभाव में शांति रखना बहुत ही जरूरी होगा। इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यश में आपको अपने स्वभाव में शांति भी महसूस होगी। जो बातें आपको अभी तक इंश्योर बना रही थी, दोस्तों उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होने की वजह से आप जो है निर्णय तो लेंगे, साथ ही दोस्तों दूसरों को भी उसी विषय में संबंधित मार्गदर्शन देने के लिए कामयाब भी हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें। इसके साथ दोस्तों यह समय कोई पारिवारिक संबंधी वाद विवाद निपटने से घर में सुकून तथा शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा, इससे दोस्तों आप अपने व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान भी केंद्रित कर पाएंगे।
आपको बता दें कि यश में कोई रुकी हुई पेमेंट भी आपको मिल सकती है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति भी और अधिक बेहतर होगा। इसके उपरांत दोस्तों, पड़ोसियों के साथ किसी भी बात को लेकर बिल्कुल उनमें ना उलझें, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है कोर्ट के संबंधी मामला जा सकता है, इसकी स्थिति बन रही है, इनसे आप सावधान रहें। संतान की शिक्षा संबंधी कार्यों में व्यवधान भी आ सकते हैं, यश में उन्हें उचित मार्गदर्शन देना आपके लिए जरूरी होगा। इसके साथ ही दोस्तों, विचारों में अत्यंत नकारात्मकता आने की वजह से कोई भी काम करने के लिए उत्साह नहीं रहेगा। एक ही जगह पर अधिक देर बैठे रहने की वजह से आपके अंदर नकारात्मकता पैदा हो रही है, इसलिए दोस्तों खुली हवा में वक्त बिताएं और मित्रों के साथ बातचीत करने की आप कोशिश करें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। तो दोस्तों इन पर ध्यान दें। इसके साथ ही दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि सामाजिक व फिर राजनीतिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से लबरेज यश में रहेंगे। किसी भी मुश्किल काम में अपने परिश्रम द्वारा हल निकालने में भी आप सक्षम रहेंगे। थकान के बावजूद भी आपकी ऊर्जा इसमें बनी रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि कभी कभी आपका शक और वहम जैसा व्यवहार आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा तथा दूसरों के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं। अपने क्षमताओं पर आपको इसमें ध्यान देना चाहिए और यश में आपको अपनी क्षमता से अधिक ऋण नहीं लेना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, कोई भी अप्रिय या फिर अशुभ समाचार मिलने से आपका मन में थोड़ा सा उदासी भी यश में रह सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपको विभिन्न विचारों में बदलाव नजर आएंगी, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोगों में आपके साथ आपका रिश्ता भी बहुत ही मधुर होगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यश में आपको अपने विचारों में बदलाव भी नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपके आसपास के लोगों के साथ जो आपका रिश्ता था उसमें भी यश में कुछ हद तक बदलाव नजर आ सकते हैं। दोस्तों, काम से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए आपके द्वारा ज़्यादा प्रयत्न भी किए जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में व्यवसाय में एक निश्चित जो है रणनीति बनाकर काम करना आपके लिए जरूरी होगा। अपना पूरा जोर मार्केटिंग तथा काम के प्रमोशन में लगाएं। साथ ही दोस्तों, कर्मचारियों के साथ भी उचित व्यवस्था बनाकर रखें। ऐसा करने में आप अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि नौकरी में ऑफिस का माहौल भी यश में बहुत ही अनुकूल बना रहेगा। इसके साथ दोस्तों, यश में हड़बड़ी में निर्णय न लें और महत्वपूर्ण दस्तावेज पढ़कर ही आप साइन करें। दोस्तों ये आपके करियर के लिए यश में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि व्यापारिक गतिविधियां अभी थोड़ा सा धीमी भी हो सकती है, परंतु दोस्तों वर्तमान कार्य जो है सुचारू रूप से चलते रहेंगे, परंतु किसी कर्मचारी की वजह से आपको यश में तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में कार्यक्षेत्र में आपका समय भी कम व्यतीत होगा, परंतु कर्मचारियों के सहयोग से गतिविधियां पूर्ववत चलती रहेंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों का भी कोई महत्वपूर्ण कार्य होने से कंपनी को फायदा होगा, जिससे बॉस व फिर उच्च अधिकारियों के साथ संबंध और अधिक गहरे होंगे। आपको बता दें कि यश में पार्टनरशिप के लिए जो समय होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण समय होंगे। कोई भी कार्य आप यश में पार्टनरशिप में कर सकते हैं, ये आपके लिए उचित समय होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, ये जो समय होंगे आपके कार्य क्षेत्र के लिए, आपको बता दें कार्य क्षेत्र में आपका मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखना आपके कामों में या फिर आपके काम की जो गति है उसको और भी अधिक बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों यश में नई अनुबंध भी आपको मिलेंगी, जो कि आर्थिक दृष्टि से फायदेमंद साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अभी समय जो है यथावत ही बनी रहेगी, इसलिए दोस्तों किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने की चेष्टा इसमें आप ना करें। दोस्तों ये आपके कैरियर के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही काम की जगह हो रही राजनीति से अपना बचाव करें, ये आपको इसमें तकलीफ दे सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पार्टनर की जिद आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में घर के सदस्यों में आपसी तालमेल प्रेमपूर्ण रहेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से खुशनुमा यादें फिर से ताजी होंगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा। पति पत्नी के संबंध भी सकारात्मक तथा सहयोगात्मक रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, ये जो आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता भी बनने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यस्तता की वजह से घर परिवार में समय आप नहीं दे पाएंगे, परंतु घर के सभी सदस्य आपकी परेशानियों को समझेंगे और आपका सहयोग भी करेंगे। प्रेम संबंध में और अधिक यश में प्रगढ़ता आने वाली है।
इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के जो समय होंगे आपको बता दें कि यश में पति पत्नी का आपसी तालमेल व फिर समझ बहुत अधिक अच्छा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें अर्थात आपके स्वास्थ्य की, तो दोस्तों यश में सिरदर्द सर्वाइकल की समस्या बढ़ सकती है। ज्यादा गरिष्ठ तथा तली भुनी चीजों का सेवन करने से परहेज करें तथा व्यायाम करना यश में आपके लिए जरूरी होगा। तो दोस्तों यश में आप इस पर जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे आपको बता दें कि घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी परेशानी की वजह से दिनचर्या थोड़ा सा अस्त व्यस्त रह सकता है। यश में आपको सावधान रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक होंगे। तो दोस्तों जरूर यश में अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखने का प्रयास करें। इसके उपरांत दोस्तों मौसम के दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना आपके लिए अति आवश्यक होंगे।